हेलो फ्रेंड्स, आज से लगभग एक महीना पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ट्रू वेल्थ। और आई हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सेस। सबने अपने अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर किए। किसी ने बोला आपके पास बैलेंस ऑफ टाइम एंड मनी है तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपके लिए ट्रू वेल्थ है। किसी ने बोला आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे हैं, सोसाइटी में आपके पास एक वैल्यू है, आपका सोशल स्टेटस बड़ा अच्छा है, तो वो आपकी ट्रू वेल्थ है। सबने अपने अपने ओपिनियंस रखे। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि अगर आपके पास एक अच्छी एसोसिएशन है, आपके पास अच्छे लोगों का नेटवर्क है जो लगातार आपको पुश करते हैं लाइफ में ऊपर जाने के लिए, वो एसोसिएशन आपका एक ट्रू वेल्थ है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। मैं सारे लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं और आज आपके सामने मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहता हूं। मेरे ओपिनियन में आपकी जो ट्रू वेल्थ है ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। पहला आपका हेल्थ, दूसरा आपका पैसा और तीसरा आपका कैरेक्टर। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपकी ट्रू वेल्थ डिफाइन होती है। बहुत ही पुरानी कहावत है, आप सबने सुनी होगी, इफ यू हैव लॉस्ट योर मनी नथिंग हैज लॉस्ट, इफ यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ समथिंग हैज लॉस्ट, इफ यू हैव लॉस्ट योर कैरेक्टर एवरीथिंग हैज लॉस्ट। सो अगर इसको इलैबोरेट किया जाए आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आपको पता चलेगा पैसा है, पैसा आता जाता रहता है, राइट। अगर आपका शरीर आपके साथ है तो वो पैसा हम फिर से कमा सकते हैं, फिर से हम कोई अपॉर्चुनिटी पे काम करके वापस में पैसा कमाया जा सकता है, राइट। और हेल्थ की बातचीत करें, हेल्थ आप सबको पता है कि 2020 में हमारे सामने जो सिचुएशंस थी, कोरोना ने हम सबको एहसास दिलाया कि हमें अपने हेल्थ का बहुत जबरदस्त ख्याल रखना है। अगर हमारा हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप सबको पता है बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे लोगों ने समाज में भी देखा है कि जब आपकी हेल्थ कंडीशन खराब होती है, आपके आपके पास कोई क्रॉनिक डिसीज आती है, कुछ भी ऐसा होता है जैसे कैंसर है और भी कोई भयानक बीमारी, उसमें देखें तो लोग अपना पैसा अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, बट डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। भगवान के पास जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, महामृत्युंजय का जाप होता है, सब कुछ किया जाता है कि भाई आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, राइट। सबको एहसास है आज की डेट में अपने हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रखें। अगर आज आपका सबसे अच्छा कोई पार्टनर है तो वो आपका पार्टनर आपकी बॉडी है। अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई हम क्या है, हम एक आत्मा है और आत्मा का निवास स्थान हमारा शरीर होता है। सो जो जीवन भर हमारे साथ है वो हमारे शरीर है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट धन है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट वेल्थ का इंग्रेडिएंट है आपका आपका स्वास्थ्य, इसका ख्याल रखना जरूरी है। अब मैं तीसरे टॉपिक पे आना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। सी कैरेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बैड हैबिट्स में आपका एसोसिएशन गलत है, वो तो है ही है, लेकिन कैरेक्टर आपकी इनर पर्सनैलिटी से डिफाइन होता है। आजकल लोग एक्सटर्नल पर्सनैलिटी तो बड़ी अच्छी है, आपने उसकी ग्रूमिंग के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम अपनी इनर पर्सनालिटी के लिए बहुत कम काम करते हैं। आपकी इनर पर्सनालिटी का मेरा लेना देना आपका एटीट्यूड, आपका थॉट प्रोसेस, एडवर्स सिचुएशंस में आप क्या सोचते हो, राइट। अब आप सबको पता है कि 2020 और ऐसा बीता, बहुत सारे लोग की नौकरियां हाथ में गई, बहुत सारे लोग की बिजनेस तबाह हो गया, लोग के इन्वेस्टमेंट्स थे वो खत्म हो गए, पूरा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन रहा है पूरा। सो अब जिन लोग का कैरेक्टर स्ट्रांग था, जिनके स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर में स्ट्रेंथ थी, तो उन्होंने वापस में रीस्टार्ट किया और चीजों को वापस में गेन करना शुरू कर दिया। बट ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने होप खो दिया। आप सबने सुना बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज उनको 4-5 महीने 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, उनका सर्वाइवल बहुत टफ था, उनके इन्वेस्टमेंट को लॉस हो चुका था, बहुत सारी सिचुएशंस आई। सो नॉर्मल सिचुएशंस आपके सामने हर एक इंसान पॉजिटिव रहता है, एडवर्स सिचुएशंस में कौन इंसान पॉजिटिव रह सकता है, कौन इंसान उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी देखता है, ये कैरेक्टर की बात है, आपके थॉट प्रोसेस की बात है, आपके एटीट्यूड की बात है।
तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी में आपका कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल देखते हैं बहुत सारी जेलसी की फीलिंग है, कंपैरिजन की भावना है। सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ देने के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी नए नए आ रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हमें बहुत मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे फायदे भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है? लोगों के अंदर कंपैरिजन की भावनाएं आ रही हैं, इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, लोगों को लग रहा है हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, मेरे दोस्त बहुत कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो दुनिया को देखते हैं। सो यहां पे आपका अगर इनर पर्सनैलिटी मजबूत है, जो आपके कैरेक्टर का पार्ट है, तो आप बहुत सारी लाइफ की टफ सिचुएशंस को डील करते हो। और कभी लाइफ में अगर कोई आपके सामने डिफिकल्ट फेजेस आते हैं और भी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको डील करके आप आगे बढ़ते हो, तो दैट इज डिफाइंड बाय योर कैरेक्टर। सो इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, हमारा जो ट्रू वेल्थ है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, मनी एंड कैरेक्टर, राइट। करेंटली जिस प्लेटफॉर्म पे काम हम कर रहे हैं, आज मैं बोलूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देता है इन तीनों आस्पेक्ट पे काम करने के लिए, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।